नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। टेक ट्रिक्स में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप लोगों को दिखाने वाला है गूगल कीबोर्ड के कुछ नए फीचर्स जो आपको शायद नहीं मालूम होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है गूगल के कीबोर्ड के फीचर्स तो इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही रोज़ नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल कीबोर्ड जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल पे ही इंस्टॉल रहता है, या फिर आप मेरे लिंक से या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं फीचर्स क्या है। देखिए, कॉमा बटन पे अगर आप क्लिक करके रखेंगे और इधर पे स्वाइप करेंगे तो आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, गूगल कीबोर्ड सेटिंग्स। यहाँ से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रेफरेंस पे जाकर आप इनपुट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट करेक्शन पे जाकर ऑटो टेक्स्ट करेक्शन को ऑफ कर सकते हैं। बहुत कुछ फीचर्स है गूगल कीबोर्ड्स के अंदर। तो आप यहाँ से थीम भी चूज कर सकते हैं, जो भी थीम्स आपको पसंद है। थीम में जाकर आप किसी भी थीम को चॉइस कर सकते हैं और आप अपने इमेज को भी लगा सकते हैं गैलरी पे जाकर, जो भी आपने इमेज लगाना चाहते हैं। यहाँ से मैं ब्लैक वाला थीम जो है चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ से आप कीबोर्ड के बॉर्डर भी दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे। एक कॉमा बटन पे टैप करके इमोजीज बटन पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए बहुत सारे इमोजीज जो है आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। और यहाँ पर इमोजीज पे आपको एक सर्च बटन भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इमोजीज को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको लगाने हैं या फिर भेजने हैं। मैं स्माइली सर्च कर रहा हूँ, देखिए सब स्माइली चला आया था। और दोस्तों, यहाँ से आप गूगल के जो सिंबल आ रहा है यहाँ पर टैप करके आप यहाँ से ही आप गूगल सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं न्यूज़ सर्च कर रहा हूँ, देखिए सारे जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज के डेट के सब चले आए। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर टैप करके आप न्यूज़ का जो URL लिंक है उसको आप भेज सकते हैं किसी को, अगर भेजना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ से आप टैप करके अगर आपका वन हैंड में प्रॉब्लम हो रहा या फिर वन हैंड से आप टाइपिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए मैं राइट पे चलाया, लेफ्ट पे भी मैं ले सकता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा फीचर है। और मैं फिर से इसको बड़ा कर देता हूँ। और दोस्तों, अब आप इसको जो कर्सर है आप इसको यहाँ से या सिर्फ इस बटन को स्पेस बार जो है यहाँ पर टैप करके स्वाइप करके आप ले सकते हैं। देखिए मैं इधर उधर कर रहा हूँ इस स्पेस बार के मदद से। और दोस्तों, यहाँ से आप स्वाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ स्वाइप करके सिंपली, आप भी लिख सकते हैं। स्वाइप सपोर्ट करता है गूगल कीबोर्ड। और दोस्तों, यहाँ से आपको कैपिटल लेटर में कुछ लिखना है तो फिर दोस्तों सिंपली यहाँ पर टैप करके यहाँ पर स्वाइप कर दीजिए। देखिए स्वाइप करने से आप एकदम से कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी कॉमा डैश या फिर कुछ भी लिखना हो तो फिर दोस्तों यहाँ पर स्वाइप करके यहाँ से छोड़ दीजिए तो जो है कलर मार्क सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। एकदम इजी है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको कुछ अगर काटना हो बड़ा वाला लाइन तो फिर दोस्तों आप कैसे काट सकते हैं, सिंपली यहाँ पर टैप करके इधर पर लाइए कर्सर को तो फिर दोस्तों यहाँ से एकदम काट सकते हैं एकदम डायरेक्ट। देखिए मैं यहाँ पर जाकर छोड़ रहा हूँ तो फिर दोस्तों देख सकते हैं एकदम सब कुछ चला गया, डिलीट हो गया। बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगा डिलीट बटन को। और दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ से सजेशन जो है
टैप करके डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल है, बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर डबल टैप करके आप थोड़ा सा स्पेस बार को बढ़ा सकते हैं, स्पेस जो है ज़्यादा ले सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ से माइक्रोफोन का भी यूज़ करके कुछ बोल करके लिख सकते हैं, कुछ भी आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। अब आप अगर स्पेस बार को टैप करके रखेंगे तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हैं। मैं बंगाली चूज़ कर रहा हूँ, देखिए तो सब कुछ बंगाली हो जाएगा, बंगाली में आप टाइप कर सकते हैं। मैं फिर से इसको इंग्लिश कर रहा हूँ, देखिए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो पर।